प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका घर में भी माँ है, माँ भी नारी है और बहन भी नारी है। मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में मतारी है, वो भी नारी है। और वहाँ के राज्यपाल जो साहब हैं महाराष्ट्र के, उनको घर में भी नारी और बहन है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आप देख रहे हैं कि पुतला दहन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी का पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज्योतिबाबाई फूले पर, महातिबाबाई पर, सावित्रीबाई पर अभद्र टिप्पणी की। और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पृथ्वी कुमार माली हैं, ये आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जन परिवार पार्टी के, इन्होंने ये पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। नारी देखिए, कहना तो बहुत कुछ है, ना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका घर में भी माँ है, माँ भी नारी है और बहन भी नारी है। मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में मतारी है, वो भी नारी है। और वहाँ के राज्यपाल जो साहब हैं महाराष्ट्र के, उनको घर में भी नारी और बहन है। वो नारी को साथ ऐसा शब्द बोले हैं, इसीलिए हमने कठपुतला जलाए हैं और जलाते रहेंगे जब तक नारी से वह क्षमा नहीं मांगेंगे। तब तक नारी को बोले कि 15 साल के मतलब की एज में उनका शादी किया गया। और बताइए कि जो 15 साल के बाद जब शादी कर दिया गया तो उनको शादी करने के बाद क्या हुआ होगा? तो मान लिया कि उनका घर में इसी तरह यदि परिवार के 15 साल में शादी करा दिया जाए राज्यपाल साहब के, मतलब कि बच्ची का या पोती का, तो क्या होगा उनको? कहाँ के राज्यपाल ने कहा? वो राज्यपाल महाराष्ट्र को राज्यपाल मतलब कि कहे हैं, तो उनको घर में यही पूछना चाहते हैं जो उनको घर में बहू बेटी नहीं है, उनका घर का बहू बेटी का सम्मान नहीं गया, कृपया सुधर जाए। अन्य तो वरना हम लोग ऐसी करते रहेंगे और करेंगे जब तक कि माफी नहीं मांगेंगे। नारी के साथ अपमान किए हैं, जो देश को शिक्षा जगाने का काम किया, प्रथम महिला थी छिछका जिसको उन्होंने अपमान किया, जो हमेशा नारी को उत्थान करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने ऐसा अभियान चलाया था, और ऐसे संवैधानिक पद पर रख करके जो इस तरह से बात बोलते हैं उनको बर्खास्त किया जाए और समूचा देश से माफ़ी मांगा जाए, नहीं तो अभियान हमेशा जारी रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का अपमान किया गया, जो कि महाराष्ट्र का राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इनका अपमान करने का काम किया, जो कि पूरे भारत में शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई, सर्वप्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने सभी नारी को शिक्षा देने का काम किया है। उन्होंने हरी सभा में मेरी माता और माता सावित्रीबाई फूले और माता महात्मा ज्योतिबा फूले का अपमान किया है। उन्होंने टिप्पणी की है ज्योतिबाई फूले को 10 वर्ष में शादी हो गया, 10 साल की ज्योतिबाई फूले, उनका जो पति है 13 साल के, और कहते हुए नजर आ रहे हैं भगत सिंह होशियारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग बताइए 10 साल और 13 साल में शादी हो जाता है, अब लड़का लड़की क्या करेगा, उसमें क्या कर सकता है? हम लोग का मांग है भगत सिंह होशियारी अपना राज्यपाल पद से इस्तीफा दे और देश के नारी से माफी मांगे। इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए। अगर आपको चैनल हमारा खबर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।